जनपद में पंचायत चुनाव की हवा जानने आए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि उनकी पंचायत चुनाव को लेकर तैयारी पूरी है। उन्होंने कहा कि अभी पार्टी के पदाधिकारी या जनप्रतिनिधि के परिजनों को टिकट न देने का विचार पार्टी का है, लेकिन यह अंतिम सीमा रेखा नहीं है। आवास विकास जिला भाजपा कार्यालय आए प्रदेश अध्यक्ष ने पहले बंद कमरे में पदाधिकारियों के साथ बैठक ली। इसके बाद उन्होंने बताया कि यूपी में पंचायत चुनाव को लेकर पार्टी में प्रदेश से लेकर जिला स्तर तक के पदाधिकारी लगाए गए हैं। पार्टी ने जिला पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयारी कर ली है। संगठन अपनी कमर कस चुका है। सरकार ने बिना सिंबल दिए ही जिला पंचायत चुनाव लड़ने की रणनीति तैयार कर ली है। उन्होंने कहा कि विपक्ष का कार्य हमेशा सत्ता में आने के बाद प्रदेश को लूटना रहा है। वह सरकार में आने पर गुंडों को पनाह देते हैं, लेकिन सीएम योगी की सरकार गुंडों के सीने पर बुलडोजर चला रही है। विरोधी भय में जी रहे हैं। उन्होंने पार्टी में आगामी पंचायत चुनाव में फिलहाल पार्टी के पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के परिजनों को समर्थन देने का विचार नहीं है, लेकिन यह कोई अंतिम सीमा रेखा भी नहीं है। प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारी पूरी। बीजेपी पंचायत चुनाव लड़ने के लिए पार्टी प्रत्याशी घोषित करेगी। किसान के हित में सरकार निर्णय लेगी। कई किसान संगठन सरकार के समर्थन में है। सभी से चर्चा चल रही है, वो भी मान जाएगी। हरियाणा सीएम खट्टर की जनसभा में हुए बवाल पर प्रदेश अध्यक्ष ने किसानों के बवाल को विपक्ष की साजिश बताया। वही विपक्ष अपना काम कर रहा है। जिला परिषद यानी जिला पंचायत का सदस्य का चुनाव हम उत्तर प्रदेश में लड़ेंगे और उसकी पूर्ण तैयारी हम लोग कर चुके हैं। आज उसी की बैठक संपूर्ण राज्य के अंदर हमारे महामंत्री संगठन प्रदेश के प्रभारी और सभी वरिष्ठ नेता निकले हैं। उसी में मेरे को फर्रुखाबाद आना था, हमें और दयाशंकर जी, तो आज हम फर्रुखाबाद आए बैठक लेने के। सिंबल देंगे क्या? सिंबल का क्या नहीं, सिंबल का अभी वह सरकार निर्णय लेते हैं। सिंबल का भी जैसे पहले चुनाव होता था उसी प्रकार चुनाव होगा। मैं प्रत्याशी घोषित करके चुनाव लड़ूंगा और संपूर्ण पार्टी उस प्रत्याशी को जिताने के लिए लगेगी। नियोजित परिवार और शैक्षिक योग्यता को लेकर के जो बात चल रही है, नहीं, एक तय है कि किसी के पर जो पदाधिकारी है, जो विधायक सांसद है, ये तय हुआ है कि अभी नहीं देना है। लेकिन ये कोई रेखा भी नहीं है, लेकिन ऐसा पार्टी ने तय किया है कि किसी के परिवार को चुनाव नहीं लड़ना। नियोजित परिवार को लेकर के जो नियोजित मतलब नियोजित परिवार को लेकर शैक्षिक योग्यता लेकर नहीं, अभी ऐसा कुछ जैसा पहले था वही नियम है। सर, आरक्षण के नियम को लेकर जैसा कि पिछली बार जब हुआ था, तो क्या प्रक्रिया वही रहेगी कि कुछ जो नियम होगा सरकार अपना पालन करेगी। संगठन की तैयारी पूरी है, संगठन अपना चुनाव लड़ेगी, बाकी क्या करेगी सर मतलब वो उनका काम, हमारा कोई हस्तक्षेप संगठन का नहीं है, ना आरक्षण में ना परसीमा, मतलब कुल मिलाकर सरकार जो निर्णय करेगी उसका शत प्रतिशत हम पालन करेंगे। संगठन की पूरी तैयारी है, चुनाव लड़ने के लिए हम तैयार हैं। बीजेपी किसान आंदोलन को लेकर जो स्थितियां उससे कैसे निपट रहे हैं? किसान आंदोलन देखिए बातचीत चल रही है, सरकार है, उन्होंने साफ कहा है कि देखिए लोग बिल वापस नहीं लेना चाहती, तो क्या लग रहा है कि देखिए जो किसान के हित में होगा सरकार वही निर्णय लेगी, जो किसान के हित में होगा। और किसान संगठन कई समर्थन में है, आदरणीय नरेंद्र तोमर जी के पक्ष में खड़े हैं और बाकी भी चर्चा चल रही, सब लोग मानेंगे, क्योंकि किसान का हित ही देखना ना। किसान का मार्केट वो कहीं अपना सेल कर सकता है, मंडी को हम समाप्त नहीं कर रहे हैं, एमएसपी को हम समाप्त नहीं कर रहे हैं, मतलब कुछ समाप्त थोड़ा कर रहे हैं कि नहीं है, एमएसपी मंडी हम समाप्त कर रहे हैं, सब चलता रहेगा। लेकिन किसान की स्वतंत्रता है, वह राजस्थान में भी बेच सकता है और मध्य प्रदेश में बेच सकता है, वह घर पर भी बेच सकता है, बिना भाड़ा दिए बेच सकता है, ना मंडी का टैक्स देगा। सर, आप कह रहे हैं कि किसान आपके समर्थन में, मनोहर लाल खट्टर की किसानों ने जनसभा नहीं होने की, उनके सब वहाँ देखे जो विपक्ष वाले हैं अपना तो काम करेंगे, आप सपा को कहेंगे बीजेपी में विलय हो जाए क्या? नहीं हो सकता है। तो विपक्ष का काम अपनी भूमिका के निर्वहन करना, लेकिन मैं भी तैयारी अपनी पूरी करता हूँ, संगठन तैयारी करता है, विपक्ष काम है धरना प्रदर्शन में, विपक्ष का काम है ना भाई। मनोहर लाल खट्टर के कार्यक्रम में जो हरियाणा में जाकर बड़े बड़े निर्णय लिया है राज्य के अंदर और देश के अंदर भी। और पहले लाठियां चलती थी यूरिया पर, नीम कोटेड यूरिया हम लोगों ने दिया, किसान क्रेडिट कार्ड, किसान सम्मान निधि, उत्तर प्रदेश में कर्ज माफी, बाकी भी। लेकिन देखिए विपक्ष का अपना विचारधारा है, राज्य को लूटना है, राज्य में जब सरकार आएगी तो राज्य को लूटना है। और वो लोग का शासन जब जब आता है, कम्युनिस्टों का है चाहे इनका शासन हो, गुंडों को पनाह देते हैं, भ्रष्टाचारियों को पनाह देते हैं,
लेकिन आदरणीय मोदी और राज्य के अंदर योगी सरकार के अंदर जो लोग AK-47 और गुंडागर्दी करते हैं उनके ऊपर योगी का बुलडोजर चलता है। R9 भारत के लिए दीपक शुक्ला की रिपोर्ट, फर्रुखाबाद।